करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना फिर से शुरू हो गया है। लंगर व्यवस्था भी आज से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज टोल प्लाजा पर किसानों को समर्थन देने के लिए इनेलो अभय सिंह चौटाला भी पहुंचे। उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर अभय चौटाला ऐसे पहले राजनेता हैं जिन्हें किसानों ने मंच से बोलने का मौका दिया और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, उस पर राजनीति भी हो रही है और इनेलो नेता ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अब खुले मन से अभय चौटाला किसानों के साथ कृषि कानूनों के खिलाफ उतर आए हैं। आज जब वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का समर्थन करने पहुंचे तो उनका स्वागत भी किया गया। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अभय चौटाला पहले ऐसे हरियाणा के नेता थे जिन्हें किसान धरने पर बोलने का मौका मिला है, क्योंकि इससे पहले कई नेता किसानों का समर्थन करने आए पर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। जब अभय बोलने लगे तो उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वह गाजीपुर राकेश टिकैत का समर्थन करने जा रहे हैं। यह आंदोलन किसी एक का नहीं है, यह सभी किसानों का आंदोलन है। सरकार जब तक इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, सब मिलकर किसानों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। बताते चले कि इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में दे दिया था। करनाल से वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसानों का समर्थन करने गए हैं। अभय चौटाला ने साफ कह दिया है कि किसानों को मेरी जरूरत आधी रात को भी पड़ेगी तो भी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। किसान को इंसाफ मिले, मोदी ने जो वायदे देश के किसान के साथ किए थे उन वायदों को पूरा करें, इसके लिए लगातार आज 2 महीने से ज्यादा समय हो गया अलग अलग जगह पे बैठ करके जहां विरोध कर रहे हो, वहीं सिंघू के बॉर्डर पे, वहीं उसके साथ साथ गाजीपुर के बॉर्डर पे, भादुरगढ़ के बॉर्डर के ऊपर लाखों लाखों की संख्या में किसान बैठ करके केंद्र की सरकार को केवल अपनी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अन्नदाता 80% इस देश में है, आप उस अन्नदाता को परेशान ना करें, आप उसको सुविधा देने की बजाय, सुविधाएं तो आपने दी नहीं, नई परेशानियां खड़ी कर दी, इसके लिए लगातार आप लोग जो है सरकार को आगाह कराने के लिए इकट्ठे होते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे इस प्रदेश के अंदर लोग आपस में लड़े, कैसे प्रदेश के हालात खराब हो, इसके लिए लगातार कोई ना कोई योजना बनाता रहता है। पहले तो किसानों से छेड़खानी करने के लिए कैमला गांव में आया, वहां जब लोगों ने विरोध किया तो फिर इस 26 जनवरी की आड़ में जहां केंद्र की सरकार ने सदन सारी शरारतें करी, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातों की जानकारी पूरे देश के लोगों तक पहुंची, इंटरनेशनल लेवल पे जब इनका असली चेहरा सामने आया तो कैसे लोगों का ध्यान बांटा जाए, इसके लिए नाम तो दिया कि आम लोग हैं जो विरोध करने के लिए आ रहे हैं, खड़े हुए जो गांव के लोग हैं, कहा कि गांव के लोग जाकर के सुबह धरने खाली करा रहे हैं, गांव के लोग नहीं थे ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारी थे, ये भाजपा के पेड़ वर्कर थे, ये केवल माहौल खराब करके हमारे बीच में मतभेद पैदा करना चाहते थे। मैं बधाई देता हूं करनाल जिला के किसान भाइयों को कि जहां हजारों की संख्या में पुलिस खड़ी करके कहीं आपको कमजोर करने की कोशिश करी, आपने उससे बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के
उस मुख्यमंत्री को एक बार फिर सुरक्षित उठाने का काम किया जो हमको लड़ाने की कोशिश कर रहा है। साथियों, जब जब भी इस किस्म के आंदोलन होते हैं तो सरकार को आंदोलन करने वाले लोगों की बात को स्वीकार करना पड़ता है, हम कोई नजायज मांग नहीं कर रहे। हम तो देश के प्रधानमंत्री से एक ही बात कह रहे हैं कि किसी भी संगठन ने आपको आकर के नहीं कहा था कि आप कोई कृषि के कानून बनाने का काम करो, आपने गलती करी, आप अपनी भूल को सुधारने का काम करो, आप किसान से माफी मांगो, काले कानून वापिस लो, नए सिरे से किसान को MSP का कानून बना करके लागू करके इस देश के किसान को ताकतवर बनाने का काम करो। आज जहां किसान को परेशान किया जा रहा है, वही साथियों देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले उस नौजवान को भी परेशानी है, क्योंकि वो नौजवान कहीं और से नहीं आया, उस नौजवान ने भी किसान के घर में जन्म लिया है, वो उसी घर में पैदा होकर के इस देश की सीमाओं की सेवा करने में लगा हुआ है। जब वो देश की सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हैं, वही यहां जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हरियाणा पुलिस के जवान है, या कोई और किसी छोटी मोटी फोर्स के मेंबर ही आए हुए, वो भी कोई और नहीं है, वो भी किसान के घर में पैदा हुए हैं, वो भी आपके साथ है। जब आप तिरंगे के साथ इस बात को भूल रहे हैं कि किसान और जवान दो अलग अलग नहीं, दोनों का रिश्ता एक है, किसी एक को कमजोर करने की कोशिश करेगा, दोनों इकट्ठे होकर के देश सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। मैं आप सबको इस बात के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं कि आपने फिर से इस धरने को लगा करके फिर से यहां बैठ करके जहां सरकार को सबक सिखाने का काम किया है, वहीं 36,000 के लोगों का मन जीतने का काम किया, इसके लिए आपको बधाई। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। इस तरह की कोई हरकत सरकार करने का प्रयास करे तो मैं अपने पार्टी के साथियों की विशेष रूप से जिम्मेवारी लगाना चाहूंगा। चौधरी देवीलाल ने सदा किसान के साथ खड़ा होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। अगर फिर कोई उस किसान को परेशान करे तो आपको आधी रात को भी उनके बीच में आकर के खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़े तो उसमें जाने की जरूरत नहीं। जहां मेरी आप जरूर समझो, मुझे आधी रात फोन कर दियो, मैं आपके बीच में आपके साथ खड़ा मिलूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ करके लंबे समय तक आज आपके साथ रहता, लेकिन मुझे गाजीपुर जाना है और गाजीपुर जाकर के जानकी कैंत साहब के साथ बदसलूकी करने का काम वहां की पुलिस ने किया, वहां की सरकार और प्रशासन ने किया। आज हम वहां ये विश्वास दिला करके आएंगे ये लड़ाई अकेले कैंत साहब की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के किसान की है और इस सरकार ने देश के किसान की पगड़ी पे हाथ डाला है। हम जब तक इस आंदोलन को जोर से चलाने का काम करेंगे जब तक देश का प्रधानमंत्री इसके लिए माफी ना मांग ले और ये काले कानून वापिस ना ले। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।